हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 4 ऑफ एमएससी। वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 1, 2 एंड 3। होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। नाउ वन मोर थिंग बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 4, दिस इज थैंक्स गिविंग, यू हैव टू राइट द पोएम ऑल्सो इन योर नोटबुक। क्लियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द पोएम इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो लेट मी एक्सप्लेन लेसन नंबर 4, थैंक्स गिविंग। For all that God in mercy sends, for health and parents, home and friends, for comforts in the time of need, for every kindly word and deed, for happy talks and holy thoughts, for guidance in our daily walk, in everything, give thanks. So as you know students, whenever anyone gives you anything, कोई भी आपको कुछ भी कभी देते हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? Thanks. बट वेन गॉड इज़ गिविंग अस एवरीथिंग, जो चीज़ें भी हमारे पास अभी है, द हेल्थ, आवर पेरेंट्स, आवर होम, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, वॉट एवर वी हैव विथ अस इन आवर लाइफ, एवरीथिंग हु इज गिविंग इट टू अस, गॉड इज गिविंग ऑल दिस थिंग टू अस। सो वी मस्ट से थैंक्स टू गॉड एवरी डे। हमेशा हमको गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। सुबह उठ को हमको उनको थैंक्स बोलना है एंड रात को सोने से पहले भी हमको उनको थैंक्स बोलना है। फॉर कम्फर्ट्स इन द डे टाइम ऑफ नीड, फॉर एवरी काइंडली वर्ड एंड डीड, फॉर हैप्पी टॉक्स एंड होली थॉट्स, फॉर गाइडेंस इन आवर डेली वॉक, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। हमारे डेली लाइफ में जो भी वो गॉड हम गाइड करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो भी हम सोच के काम कर रहे हैं, सब कुछ कौन दे रहे हैं हमको? गॉड इज गिविंग अस एवरीथिंग। सो फॉर एवरीथिंग वी हैव टू थैंक गॉड। फॉर हैप्पी टॉक्स एंड होली थॉट्स, फॉर गाइडेंस इन आवर डेली वॉक, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू गॉड। For beauty in this world of ours, for verdant grass and lovely flowers, for song of birds and hum of bees, for refreshing summer breeze, for hills and plain, for steam and wood, for the great ocean's mighty flood, in everything give thanks. The beauty in the world, जो भी beauty हमारे world में है, जो हमारे surroundings में जो भी चीज़ें हैं, like the verdant grass, the green grass, the lovely flowers, the song of the birds, the hum of bees, everything, every refreshing the summer breeze, ठंडी ठंडी हवाएं हमको गर्मियों में आती है, everything, it is all gift of God. For hills and plain, for steam and wood, for the great ocean's mighty flood, in everything give thanks. जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, the surroundings, the refreshing summer breeze, the hills and plains, the stream and wood, for the great ocean's mighty flood, जो oceans हैं उनके जो पानी है, इतने सारे चीज़ें भगवान ने हमको दिए हैं। so for everything we have to give thanks to God. For the sweet sleep which comes with night, for the returned morning light, for the bright sun that shines on high, for stars glittering in the sky. जब रात को हम लोग सोने जाते हैं, स्वीट स्लीप विच कम्स विथ नाइट, रात को रात होते ही हम लोग सोने जाते हैं, स्वीट स्लीप हम लेते हैं, फॉर द रिटर्न मॉर्निंग लाइट, फिर अगले सुबह फिर हम जगते हैं, बहुत सुंदर सुबह सूरज आते हैं, सन लाइटिंग देते हैं, फिर वी फॉर द रिटर्न मॉर्निंग लाइट। हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, वहाँ रखने के लिए नाइन्थ डी में, हाँ नाइन्थ डी में रखने के लिए बोल दो ना, हाँ नाइन्थ डी में रखते हैं। सो फॉर द रिटर्न मॉर्निंग लाइट, for the bright sun that shines on high, for the stars glittering in the sky, ठीक है, रात को जैसे stars सारे glitter करते हैं, चमकते हैं sky में, और दिन में इतनी अच्छी धूप आती है, sunlight देते हैं, so all these are gifts of God, भगवान ने ये सारी चीज़ें हमको दिया है, for that we have to thank God, for these and everything we see, God, our hearts we lift to Thy, in everything give thanks. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे
पास है, जो हम हमारे चारों तरफ है, ये सारी चीज़ें किसने हमको दिया है? गॉड ने दिया है। सो फॉर एवरीथिंग वी हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड। सो इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर वेकिंग अप, यू हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू थैंक गॉड। सो दिस इज द लेसन नंबर फोर, थैंक्स गिविंग। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स हियर। Answer the following, only two questions are there. Give three reasons for which we should thank God. And second is, name any two blessings you get through the nature. So the only two question answers are there. So you have to write these two question answers. And one, B is there, complete the stanza. This is the poem you have to complete. For all that God in mercy stand. And last is for guidance in our daily walk in everything God thanks. So you have to complete the stanza. It is from the textbook only you have to complete. I will give you the PDF. I will send you the question, two question answers, and this poem also I will give you. Clear? So with this video I am sending the PDF also. So you copy the poem first. Then write the question answers and complete the stanza. Clear? So this is all about our lesson number 4, Thanksgiving. You just complete it, and after then again after some time I will give you lesson number 5 explanation. Okay students, just take care. Take care of your health. Don't go out and play. Clear? And try to complete your notebooks properly. Okay?